हाँ सर, क्या बोल रहा हूँ। हेलो सर, क्या हाँ, बोल रहा हूँ। अरे रैंड क्या होता है? इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, देन रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम इन बिटवीन एम एंड एन। ऑर्डर आपका एम बाई एन होगा तो ये दोनों से जो स्मॉलर नंबर रहेगा रैंक वही हो सकता है, नहीं तो उससे कम होगा। ठीक है, हाँ सर समझे। देन हाउ टू डिटरमिन योर रैंक, रैंक को कैसे आप निकालते हो? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैट्रिक्स ए द ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 × 5 तो रैंक होगा तो 3 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। आपको रैंक मिलेगा तो 3 नहीं तो 3 से कम होगा। ठीक है, क्या करोगे? कोई भी एक 3 × 3 का मैट्रिक्स उठाओ, ओके, आउट ऑफ दिस सिलेक्ट एनी 3 × 3 मैट्रिक्स, सिलेक्ट एनी 3 × 3 मैट्रिक्स एंड फाइंड दैट डिटरमिनेंट। इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो देन आपका रैंक 3 होगा। कोई भी आप कितने 3 × 3 मैट्रिक्स हो ले सकते हो, कितने 3 × 3 मैट्रिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो? 3 × 3 नहीं स्पाइसी 3 होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कंजुकेटिव वाला होगा, आप हाँ सर 1 2 ये भी ले सकते हो। हाँ सर, ओके, 3 आपका तो रो तो कुछ सिलेक्ट करना नहीं है, रो तो 3 × 3 ही जाएगा, बाकी 5 कॉलम्स से कोई भी 3 कॉलम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सिलेक्ट 10 सच मैट्रिक्स 3 × 3 मैट्रिक्स। ओके, कोई भी एक 3 आपका मर्जी, आप कोई भी 3 × 3 मैट्रिक्स उठा लो एंड चेक करो उसका डिटरमिनेंट। इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो देन रैंक होगा 3। ठीक है सर, कॉलम उठाना या कोई भी रैंडम नंबर्स चूज कर? नहीं नहीं नंबर नहीं, कॉलम उठाना है। 3 कॉलम ना सर? हाँ, 3 कॉलम उठाना है। ठीक है, सिलेक्ट एनी 3 × 3 मैट्रिक्स
select any 3 by 3 matrix, let us consider B say. If determinant of B, मतलब मैं कोई B मतलब मैं कोई भी मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ, कोई भी 3 by 3 मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है? If determinant of B is not equal to 0, then rank of A क्या होगा? 3 होगा. 3 होगा. ठीक है? नहीं. हाँ सर. If each and every 3 by 3 matrix whose determinant is equal to 0, then rank is not equal to 3. Rank 3 नहीं होगा. तो rank क्या हो सकता है? तो rank में भी two और वही प्रोसीजर फिर फॉलो करेंगे. फिर 2 बाय 2 मैट्रिक्स उठाएंगे. कोई भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स उठाओ. इफ एनी वन ऑफ द 2 बाय 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इज नॉन जीरो. कोई भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स उठाओ, उसका डिटरमिनेंट चेक करो. इफ नॉन जीरो हो गया देन रैंक होगा. कोई भी एक नॉन जीरो हो गया देन रैंक इज द 2. नहीं, ईच एंड एवरी 2 बाय 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जीरो मिला देन रैंक 2 नहीं होगा. रैंक क्या हो जाएगा? 1. क्योंकि 1 तो दिखाई दे रहा है. 1 मतलब ये दिस इज द मैट्रिक्स 1 बाय 1 मैट्रिक्स. कोई भी एक टर्म जीरो का. हां मतलब सही. हाँ, नहीं कोई भी. हां तो सबके सब जीरो हो जाएगा. तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो होगा तो नल. नहीं, वो टाइम पर रैंक नहीं मिलता है. रैंक अनडिफाइंड होता है. अच्छा, क्योंकि रैंक जीरो हम दे नहीं पाएंगे. तो नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए रैंक नहीं बनता है. यहाँ पे आप एक जीरो रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, अब मुझे बताओ इसका रैंक क्या होगा. मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने दिया है इसका रैंक क्या होगा? सर वो अपने सिलेक्ट इन 3 बाय 3 मैट्रिक्स बी के बाद क्या लगा? से मतलब जो 3 बाय 3 मैट्रिक्स मैंने रखा है मैंने उसको बी माना. इफ डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल 0 देन रैंक ऑफ ए 3 होगा. बताओ ये जो मैंने मैट्रिक्स दिया उसका रैंक क्या हो सकता है? सर 2 बाय 2 अगर सिलेक्ट करना हो तो कॉलम से कोई भी दो नंबर उठाना है. 2 बाय 2 बाय 2 आप ऐसे उठा सकते हो. ये 2 बाय 2 होगा. आप ऐसे भी ले सकते हो. आप ये दो भी ले सकते हो ऐसा. हाँ सर. तो 2, 6 और 9, 12 ऐसा भी ले सकते हैं. ओके. टू रोज 2 कॉलम्स लेना पड़ेगा. मतलब रो से वही एक रो से 2 एलिमेंट, 2 रो से 2 एलिमेंट ऐसा. अच्छा, सेम रो से होने चाहिए. और थोड़ी ऐसे हम इस ये 4 लेके थोड़ी बनाएंगे. ये कहाँ होगा? ठीक है सर. रैंक बोल रहा है 2. सर इसका रैंक 2 आना चाहिए.
सर क्योंकि सब मतलब सर सब देखो फर्स्ट फोर कॉलम में से सर अगर हम लोग टू कॉमन ले तो 1 3 4 बाकी वैसे ही सब कॉलम में से सर 2 3 5 8 9 कॉमन लेगा सर कोई बात नहीं तो 2 कॉमन कॉलम तो 0 आएगा हमेशा सभी कॉमन फर्स्ट रो सेकेंड रो जब आप दोनों को चेक करोगे ना एलिमेंट्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑफ रो 2 का एलिमेंट्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑफ रो 1 का एलिमेंट ठीक है आप कोई भी 3x3 मैट्रिक्स रखोगे कोई भी 3x3 मैट्रिक्स रखोगे तो उसमें तो रो 1 रो 2 का एलिमेंट्स होगा ही होगा ठीक है रो 3 पे भी मैंने रखा है 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 रखा है रो 1 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 रखा है लास्ट वाले में नहीं बट एक्सेप्ट लास्ट वन इसको छोड़ के ठीक है तो यहां पे मैं कोई भी 2x2 मैट्रिक्स सॉरी कोई भी 3x3 मैट्रिक्स उठाऊंगा तो रो 1 रो 2 से मैं 3 कॉमन रखेंगे तो रो 1 के साथ तो आइडेंटिकल होगा ही होगा हां आप ए मैट्रिक्स उठा दिए हां तो यहां से आप 3 कॉमन रखोगे तो इसके साथ आइडेंटिकल होगा ही होगा ठीक है ना रो 2 से जब 3 कॉमन रखोगे रो 1 के साथ तो आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा ना सर तो 3x3 मैट्रिक्स कोई भी 3x3 मैट्रिक्स आप उठाओगे रो 1 रो 2 तो रहेगा ही रहेगा ना रो 1 का एलिमेंट रो 2 का एलिमेंट रहेगा ही रहेगा एंड रो 1 रो 2 एग्जैक्टली 3 रो 2 में एग्जैक्टली क्या हुआ है रो 2 का एलिमेंट्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑफ रो 1 का एलिमेंट तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स उठाओगे आपका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा ही होगा क्योंकि आपका रो 1 आइडेंटिकल टू रो 2 दिखेगा समझा हाँ कोई भी 2x2 रखोगे जैसे मैं ये 2x2 रखता हूँ फर्स्ट टू रोज को यूज करके रो 1 एंड रो 2 को यूज करके कोई भी 2x2 रखो कोई भी तो 0 ये 0 देगा ही देगा हाँ लेकिन अभी नहीं चला यहाँ तक रखोगे वो भी 0 भी 0 देगा हाँ बट जब आप रो 1 के साथ ये रखोगे ये दो एलिमेंट रखो कि ये दो एलिमेंट रखो तो यहाँ पे क्या होगा नॉन जीरो देखेगा नॉन जीरो जैसे मैं 24 27 32 35 है ना और ये डिटरमिनेंट रखेंगे आप यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हो थ्री कॉमन ले सकते हो थ्री इधर से नहीं होगा कुछ नहीं होगा ओके नहीं तो यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3 4 27 35 ओके इधर आप चेक कर सकते हो डिटरमिनेंट क्या है 105 माइनस 108 क्लियरली नॉन जीरो ओके तो हियर दिस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 दिस 2x2 डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आंसर क्या हो जाएगा मैंने क्या बताया कोई भी एक डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया देन वही ऑर्डर होगा आपका समझा सपोज 35 के जगह 36 होता तो आंसर क्या होता 1 यस 35 के जगह 36 होता है तो फिर क्या होगा हमेशा वो आपको पैरेलल लाइंस दिखेगा ठीक है और वो डिटरमिनेंट को 0 कर देगा 4 टाइम पर आपका आंसर हो जाएगा 1 ठीक है तो फॉर दिस केस योर आंसर होगा रैंक होगा टू
सपोज ये मैट्रिक्स को मैं 35 की जगह 36 बना दिया, रैंक वन हो जाएगा। देन 35 की जगह 36 बना है, ये कहां से चला गया? तो मैंने अभी क्या कर दिया, रो थर्ड रो को मैंने फोर्थ टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो कर दिया। ओके, तो ये सब आइडेंटिकल जैसे दिखेगा कमल लेने के बाद। देन रैंक क्या होगा? समझाइए। नहीं समझा? हाँ सर समझे। हाँ सर समझ। तो ये होता है आपका रैंक। आइडेंट रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स क्या मिला? अनडिफाइंड। ओके, इसका कोई रैंक ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि रैंक को जीरो लिखा जाए। और रैंक ऑफ आइडेंट मैट्रिक्स क्या होगा? रैंक ऑफ आई एन क्या होगा? सर उसका ऑर्डर आई एन रैंक ऑफ आई एन क्या होगा? रैंक ऑफ आई एट क्या होगा? वन ही होगा सर। वन ही होगा, एन होगा, सर टू होना चाहिए ना। इसका रैंक क्या होगा? हाँ सर एन होगा। क्या होगा? कुछ तो होगा ना, टू होगा। टू होगा, टू होगा ना सर, वही बोला। इसका डिटरमिनेंट क्या मिलता है? थ्री मिलता है। इसका डिटरमिनेंट वन मिलता है। वन मिलता है ना, तो नॉन जीरो हो गया इसका। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स नॉन जीरो हुआ डिटरमिनेंट, तो रैंक क्या होगा? एन थ्री होगा, तो आई एन का रैंक क्या होगा? एन। उसका डिटरमिनेंट हमेशा वन होता है, तो रैंक उसका ही ऑर्डर होगा। ठीक है, राइट।
एक सेकंड ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओके एक्चुअली सिलेबस में ऐसा नहीं है, रैंक भी नहीं है, कौन से सीबीएसई में नहीं है? नहीं नहीं जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? लेट आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। The equation A minus lambda I का determinant equal to zero, ये आपको equation एक दिलाएगा। A minus lambda I determinant equal to zero is called characteristic equation of A where A be a square matrix and lambda belongs to any real number. Lambda real number होगा, A square matrix होगा, तो यहाँ पे इसका determinant एक आपको equation दिलाएगा, that equation is called characteristic equation of A. ठीक है, और इसका जो रूट्स मिलता है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आपका आइगन वैल्यूज। एंड द रूट्स आर कॉल्ड characteristics roots or eigenvalues.
देखो फॉर एन एग्जांपल लेट मैट्रिक्स ए इज द 2561 ठीक है तो ए माइनस लैम्डा आई क्या मिलेगा तो डेफिनेट आई इधर क्या होगा 2x2 मैट्रिक्स होगा तो लैम्डा आई क्या मिला ठीक है ना ये दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा ए माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा 5 टू माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा 5 6 माइनस 1 माइनस ठीक है 6 1 इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 2 माइनस लैम्डा इनटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 30 बिकम जीरो यस सर ठीक है तो ये आपको एक पॉलीनोमियल इक्वेशन दिया कि नहीं दिया yes, एक इक्वेशन लैम्डा का इक्वेशन दिया ओके तो इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो यू गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 30 माइनस 28 बिकम जीरो दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ लैम्डा 3x3 रखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा मिलेगा 4x4 मैट्रिक्स रखेंगे तो 4x3 इक्वेशन ऑफ लैम्डा मिलेगा ठीक है यहां पे मैंने 2x2 मैट्रिक्स रखा था इससे क्वाड्रेटिक मिला तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं 28 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 7 यस लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0 देन लैम्डा का वैल्यू 7 होगा और माइनस 4 होगा दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ठीक है यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट मिलता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या मिल रहा है -28 मिल रहा है इनका प्रोडक्ट इसका डिटरमिनेंट चेक करो इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है -28 ये इसके साथ मैच करता है ओके प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज द डिटरमिनेंट ऑफ ये मिस होता है समझ आया Right on. सर यहाँ पे आय हमेशा यूनिट मैट्रिक्स रहेंगे आय तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होता है I means unit matrix. Yes, sir. I means unit matrix ही होता है. तो इसको लिखना जरूरी नहीं है कि ये unit matrix. बस ये दोनों का वो लिखना है तो लिख दो मतलब A and I का दोनों का order same होना चाहिए. वो लिख सकते
आपके बैच में मेघांश कोई है क्या? डन यस नो सर एक मिनट गन नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस using matrix method. Solution of linear equations using matrix method. डिटरमिनेंट मेथड क्या था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड वो क्या था? तो वो तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिखने थे, क्रेमर्स रूल। हाँ, क्रेमर्स। ओके, तो और मैट्रिक्स मेथड यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल 2x माइनस 3y प्लस 4z13 x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1 4x माइनस y माइनस 2z देन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आप कैसे करोगे? इसमें हम तीन मैट्रिक्स बनाएंगे, एक कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड का एक मैट्रिक्स बनाओ, क्या मिलेगा? 2 minus 3, 4, 1, 2, 1, 4 minus 1, 4 minus 1, minus 2, ये एक मैट्रिक्स बनेगा। और एक कॉलम मैट्रिक्स होगा एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू। और एक इसका ऑर्डर क्या है?
3/3 इसका ऑर्डर 3/1 तो इनका प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा 3/1 वो मैट्रिक्स हुआ आपका कांस्टेंट वाला मतलब 13/1 समझा। अब देखो इसको आप सिंपलीफाई करो आपको ये तीनों इक्वेशन देख लाएगा मल्टीप्लाई दिस टू तो आप ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना सर आपको क्या मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 4z ये आपका एक ही एलिमेंट होगा 1 एलिमेंट देन 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट में आपको मिलेगा x प्लस 2y प्लस z देन 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट होगा 4x माइनस y माइनस 2z ये मैट्रिक्स इक्वेट होगा 13/1/1 तो ये जब इक्वेट होगा तो सीधा सीधा करेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वेट होता है तो ये इसके साथ इक्वेट होगा सो दैट यू विल गेट दिस इक्वेशन सेकंड वन इसके साथ इक्वेट होगा तो यू विल गेट सेकंड इक्वेशन ये इसके साथ इक्वेट होगा यू विल गेट थर्ड वन समझा। हां सर इसको हम मानते हैं कि let this matrix A matrix, this one matrix X, this one matrix B, ठीक है इसका मतलब आपके पास है A into X is equal to B, आपको X चाहिए, X matrix चाहिए मतलब X Y Z का value चाहिए, X Y Z का value मतलब A matrix आपको चाहिए, इसका result चाहिए, तो X क्या होगा? If B into A x equal to B, then x क्या होगा? B A inverse. हाँ B A inverse. If you write B A inverse, that means you don't know anything about matrix. B by A. पढ़ाई सब छोड़ दो, नहीं होगा फिर। फिर कुछ नहीं होने वाला ए वन से मैं बोल रहा हूं डिवीजन नॉट पॉसिबल अब भी भाई ये आपको मिल रहा है एक्स क्या होगा A inverse B. A inverse कैसे मिल जाता है आपको? You are doing matrix. You are not doing real number. Multiply A inverse both the side, both left side आपको में multiply करना पड़ेगा। AX के साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें AX के साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 1x ए बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा अरे सर मल्टीप्लाई नहीं होगा ना वो AX कुछ मिलेगा सर सर एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई ये साइड में मल्टीप्लाई करने से कुछ आपको नहीं मिलने वाले नहीं नहीं कुछ नहीं क्या मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हो व्हेन यू डोंट नो बेसिक मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव फिर भी आपको ये यहाँ पे ये दोनों कैसे ये हो जाएगा ये इसके साथ कैसे आएगा नहीं अच्छा इसलिए आगे मल्टीप्लाई अच्छा इसलिए इनवर्स के साथ ए एक्स मल्टीप्लाई करोगे ना सर तो उसके साथ इनवर्स भी हो जाएगा ये होगा ए इनवर्स ए इनटू एक्स बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव अब ब्रैकेट चेंज करोगे ऑर्डर चेंज नहीं कर पाओगे बार बार बोल रहा हूँ ऑर्डर चेंज नहीं कर पाओगे फिर भी आप रियल जैसा सोच रहे हो
आपको रियल करना है तो फिर मैट्रिक्स क्यों कर रहे हो? ए इनवर्स इनटू ए, क्या होगा? आई मैट्रिक्स इनटू एक्स, आई इनटू एक्स, एक्स। तो इसमें क्या जरूरी होता है? ए इनवर्स किस में, कहां पे मल्टीप्लाई करोगे? मुझे एक्स चाहिए दोनों के लेफ्ट साइड में, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां से उठा के डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ दी साइड, बोथ लेफ्ट साइड ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर यहां पे बहुत मैटर करता है। ऑर्डर चेंज करने से आप मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहे हो, फिर भी आप ऑर्डर चेंज करते रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स ए इनटू एक्स। बोर्ड में लिखोगे तो आपको तो सीधा सीधा उधर काट के रख देंगे। आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर स्टेप होता है, स्टेप मार्किंग होता है। कुछ भी सीरियसनेस नहीं पड़ेगा। तो आपका एक्स मैट्रिक्स होगा ए इनवर्स बी, इट इज नॉट बी ए इनवर्स। इफ ए एक्स इक्वल टू बी, देन एक्स होता है ए इनवर्स बी। ए दोनों साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं होता है। एक्स होता है ए इनवर्स बी। अब खुद चेक करो ना, बी के साथ आप ए मल्टीप्लाई कर पाओगे कि नहीं पाओगे? बी के साथ ए इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? इसका इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स दिलाएगा? मतलब कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा सर? ऑर्डर तो थ्री होगा ना, ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, थ्री बाई थ्री। तो आप बोल रहे हो कि बी इनवर्स ए कर दोगे, बी इनवर्स, सॉरी बी ए इनवर्स कर दोगे। B का ऑर्डर क्या है? अच्छा, 3 by 1। A inverse का ऑर्डर क्या होगा? 3 by 3। मल्टीप्लाई कर पाओगे? नहीं सर, नहीं। कुछ तो सोचा करो। देखते इसका इनवर्स पहले निकालो। अच्छा, इससे पहले क्या होना चाहिए? ए डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो, अदरवाइज आपका इनवर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ए ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो क्रेमर्स रूल का जितने भी प्रॉपर्टीज था, वही प्रॉपर्टीज इधर एप्लीकेबल होगा। ओके, फिलहाल इसका इनवर्स निकालो। 2 - 3 = 4, 1 - 1, 4 - 1 - 4, इसका इनवर्स निकालेंगे। क्या करेंगे? माइनर कोफैक्टर करके इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, है ना?
वेटिंग लिस्ट में अनिल दत्त कहाँ से आ गए? क्या अनिल दत्त मार्च सर है ना? तो ये किसने नाम ये करके किया है क्या? मैं पूछ नहीं लेता पता, नहीं पता सर। तो किसने किया होगा सर? ठीक है, मैं सर को पूछ लेता। इनवर्स मिला। हाँ सर। ये मल्टीप्लाइड बाय 1/-60 होगा डिटरमिनेंट। -60 फिर 60 ओके। -60 हाँ 60। सर 60 ठीक है। और किसी को कुछ मिला? डिटरमिनेंट 60 हो रहा है, -60 हो रहा है। -4 +1 -3, देन 3 × -2 -4 -18, देन 4 × 9 -36, 36 8 54 6। ठीक है, -6 डिटरमिनेंट, 60 डिटरमिनेंट। इनवर्स कैसे होगा? 2 का माइनर कितना? -4 + 1 -3। 3 का माइनर, -3 का माइनर -2 -4 -6। मैं रो वाइज लिख, रो वाइज डिटरमिन कर रहा हूँ बट कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, सो दैट ट्रांसपोज भी हो रहा है। ओके। देन 4 का -1 -8 -9,
देन वन के लिए सिक्स प्लस फोर टेन, टू के लिए माइनस फोर माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी, वन का माइनस टू प्लस ट्वेल्व टेन, देन फोर के लिए माइनस थ्री माइनस एट माइनस इलेवन, माइनस वन के लिए टू माइनस फोर माइनस टू, माइनस टू के लिए फोर प्लस थ्री सेवन। ये आपका माइनर का ट्रांसपोज हो गया। मुझे अभी कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर करेंगे तो सिर्फ ये चार एलिमेंट का साइन चेंज होगा। ओके आपका ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस, ये समझा अपॉन माइनस सिक्सटी मिला। दिस इज योर ए इनवर्स। ठीक है, अब x क्या होगा? A inverse into B, which is minus 3, minus 10, minus 11, then 6, minus 20, 2, minus 9, minus 10, and 7. अपॉन माइनस सिक्सटी इंटू बी, बी के जगह कितना था 13 11। मल्टीप्लाई करो माइनस 39 माइनस 10 माइनस 49 माइनस 11 माइनस 60 माइनस 60 टू वन 13 into 6, 78, minus 20, minus 58, sorry, plus 58, plus 2, 60, minus 9 into 13, 117, minus 117, minus 10, minus 127, plus 7, 120, minus 120, correct na? अपॉन माइनस 60। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ माइनस 60 करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1 2। दिस इज व्हाट x, x मतलब एक्स वाई जेड है ना। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ तो इक्वेट कर सकते हो आप दोनों। तो x का वैल्यू क्या होगा 1 1, y minus 1, z 2, check करो ये आपका 1 minus 1, 2 satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है। original equation में check करो, ये होगा 2, ये plus 3, ये 8, satisfy, ये होगा 1, minus 2, प्लस टू, ये फोर प्लस वन माइनस फोर, ठीक है ना? हाँ सर। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हुआ। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका जो क्रेमर्स रूल में जो रूल था ना वही रूल आप अप्लाई करोगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका डिटरमिनेंट डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। If delta equal to zero, but at least delta one, delta two, delta three is not equal to any one of the determinant non-zero, then no solution. नहीं सबके सब zero होगा, then infinite number of solutions, that is called non-trivial solution. वो सब आप apply कर सकते। But ये method lengthy हो रहा है ना? हाँ sir. Definitely this is the more lengthy method than
क्रेमर्स रूल एंड अब तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, ये आपका सिर्फ बोर्ड में आ सकता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बट आप एंट्रेंस में कौन सा मेथड यूज कर रहे हो वो थोड़ी उनको पता है, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ये मेथड बताया, ये जनरल आएगा, मतलब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वो प्रोसीजर देखते हैं। बोर्ड के लिए ठीक है, बट एंट्रेंस लेवल में ऐसा कुछ नहीं होगा, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड में नहीं पूछते, बाकी आपका मर्जी आप कोई भी मेथड यूज कर सकते, ठीक है। तो स्टिक विथ योर क्रेमर्स रूल रादर देन दिस, क्रेमर्स रूल का जो भी प्रॉपर्टीज था उसको आप फॉलो करें, इसका भी वही प्रॉपर्टीज होता है सब कुछ, समझा मेथड, समझा कैसे मिल रहा है। लेकिन
डन। ओके, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। क्या हो गया सर चैप्टर? ये चैप्टर हो गया तो अभी आप क्वेश्चंस दोगे इस पे? इसका क्वेश्चन आप बुकलेट से ही करोगे, इसका मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन क्या करोगे, मतलब वो तो ज्यादा डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन डिटरमिनेंट के ऊपर दिया था क्योंकि उसमें वैरायटी होता है, मैट्रिक्स का इतना वैरायटी नहीं होता। तो आप जो भी बुकलेट से करोगे आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर इज द फंक्शन। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो सर। ये आज का लास्ट लेक्चर है क्या डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का? हाँ लास्ट हो गया। अब न्यू चैप्टर करेंगे। आप भी स्टार्ट कर रहे हैं? ओहो क्यों इसे ओ क्या था अभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्या? सर वो डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह कौन पढ़ेगा? आप पढ़ाओगे कि सौरभ सर? देखेंगे वो टाइम पर। सर टाइम है उसके लिए बहुत। हाँ हाँ इंटीग्रेशन इसके मतलब ये के बाद होगा। फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव ये होगा तो इन बिटवीन स्टार्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन। सर तो मतलब अभी कैलकुलस शुरू होगा? हाँ कैलकुलस स्टार्ट। सर मेजर टेस्ट में कौन सा सिलेबस है? मेजर टेस्ट में सर मैथ्स का क्या क्या आने वाला? इस बार हाँ डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और कॉनिक। सर कॉनिक पूरा नहीं आएगा ना हमारा अभी एलिप्स, हम लोग एलिप्स पे ही अभी। एलिप्स खत्म नहीं हुआ है? नहीं सर टेंजेंट्स ऑन एलिप्स। दो ही लेक्चर हुआ है। तो बता दो कहाँ तक हुआ है? टेंजेंट चल रहा है? नॉर्मल नहीं हुआ है? नहीं सर। तो 27 तक तो टाइम है ना? 27 तक एलिप्स तो हो जाए। 27 को है ना? हाँ सर 26 सर। ठीक है सर। सर जेई में मैट्रिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या डिटरमिनेंट? एक्चुअली पहले मैट्रिक्स नहीं था जेई में, ओनली डिटरमिनेंट था। जब से वो मैट्रिक्स यूज किया ना तब से मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा, मतलब एक दो क्वेश्चन आएगा। डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स एक हो सकता है नहीं तो दोनों मैट्रिक्स हो सकता है। सर सबसे ज्यादा क्या आता है? सबसे ज्यादा ऐसे देखोगे तो अलजेब्रा पार्ट कैलकुलस उसका परसेंटेज ज्यादा है। आप मान के चलो कि 40% अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल एंड सब, बीएनसी, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। आपका प्रोबेबिलिटी, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब
अलजेब्रा पार्ट, उसमें 40% के आसपास रहता है, बाकी 40% कैलकुलस से होता है। ये 35 to 40%, ये भी ऐसा ही कैलकुलस, कैलकुलस में आपका फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव देन इंटीग्रल कैलकुलस इंडेफिनाइट डेफिनेट देन आपका एरिया एरिया अंडर कर्व फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इतने सारे वो पोर्शन आता है कैलकुलस में। देन 15% तक आता है आपका, 15 to 20% तक आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट में आपका 2D 3D वेक्टर वेक्टर्स भी उसमें आ जाता है। ओके, 2D में आपका क्या मिला, स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका सर्कल कॉनिक सेक्शन सर्कल ओके कॉनिक सेक्शन हां सर कॉनिक सेक्शन हां बराबर 2D है ना, 2D हां बराबर यस सर। 3D में आपको मिलेगा प्लेन स्ट्रेट लाइन, 3D का स्ट्रेट लाइन प्लेन ओके एंड 3D का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड वेक्टर, इसमें मैक्सिमम 20% तो। बाकी 5 to 10% आपका ट्रिगो, तो ट्रिगो का ज्यादा एप्लीकेशन होता है, हर क्वेश्चन में ट्रिगो आ जाता है। तो ये सॉलिड क्वेश्चन आपको ट्रिगो इक्वेशन मतलब ये आता है आइडेंटिटीज का आता है, सॉलिड क्वेश्चन आपका SOT का आता है ठीक है। बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वो आपका ट्रिगो का जितना सारे फॉर्मूले रिजल्ट्स इसमें सब कैलकुलस में ज्यादा यूज होता है। तो ट्रिगो का देखोगे मतलब सॉलिड क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको ट्रिगो फ्रॉम ओनली फ्रॉम ट्रिगो वो देखोगे तो 5% 10% इससे ज्यादा नहीं होता है, 5% होता है, बट उसका एप्लीकेशन इतना है कि सबको बर्बाद कर देगा। इफ यू डोंट नो ट्रिगो फिर ये सब कुछ नहीं होता है, पर्टिकुलर कैलकुलस पार्ट पूरा चला जाता है। आप कोई सिलेक्टिव कर नहीं पाओगे, ये आपका बोर्ड नहीं है कि आप सिर्फ कैलकुलस कर दो फिर आपका हो जाएगा, ट्रिगो छोड़ दो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। 30-30 चैप्टर्स आपको मैथ्स में करना पड़ेगा, कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं पाओगे सर, सब में करना पड़ेगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब। केमिस्ट्री के बाद मुझे इतना पता नहीं कितना मिक्सअप होता है मुझे पता नहीं, बट मैथ्स में तो मिक्सअप हो रहा है। सब में 30-30 तो करने पड़ेंगे। 30-30 मतलब केमिस्ट्री में तो ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री का आई थिंक 34-35 चैप्टर्स होता है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ सब में मिनिमम उतने तो करने पड़ेंगे। फिजिक्स में 28-29 चैप्टर्स होते हैं। सर अभी हमारे सिलेबस कब खत्म होगा, आपको दिया गया ना सितंबर, मैंने बोला था सितंबर तक केमिस्ट्री हो जाएगा। ओके आपको एक शेड्यूल बना के दिया गया ना, मतलब सर है सर प्लानिंग, नहीं सर वो अभी ऑनलाइन नहीं इस पे पूछ रहे, ट्राई करते हैं इसमें। चलो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, ये सैमसंग J9 कौन है, फंक्शन क्या होता है बताओ, एक नंबर पे ऑपरेशन। आप लोग के बोर्ड में हो चुका है ना, नहीं सर था ही नहीं,
सर बोर्ड लेक्चर ही नहीं है क्या? भर भर के बोर्ड लेक्चर कर रहे हो, दिल्ली लग रहा है बोर्ड लेक्चर फिर भी नहीं है। हमारा सर नहीं, सर हमारा नहीं है सर। फंक्शंस आर रिलेशंस इन व्हिच डोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैव यूनिक एंड यूनिक वन एंड ओनली यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन। यस, द रिलेशन क्या होता है सर? उसमें वो कंडीशन हट जाती है कि सारे एलिमेंट्स पेयर होने चाहिए डोमेन के। फंक्शंस में वो फंक्शंस में दो कंडीशन होती है, सारे एलिमेंट्स पेयर होने चाहिए और सबके यूनिक इमेजेस होने चाहिए, बट रिलेशन में यूनिक इमेजेस होना जरूरी नहीं है। मैं और सारे एलिमेंट्स दो सेट दे दिया तो इसके अंदर कैसे रिलेशंस बनाओगे? नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा? सपोज ए में सेट ए, दिस इज सेट बी, इसमें ए बी सी डी ई, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक, देन कितने सारे रिलेशंस होगा ए टू बी? 5 × 10 2 raised to 50 क्या सर? रिलेशन सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी में 50 एलिमेंट्स है और सबसेट का फॉर्मूला 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो 50, तो 2 raised to 50। वेरी गुड। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी और रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, इसको सिंबलिकली ऐसे लिखा जाता है, रिलेशन आर स्टैंड फॉर रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी, ओके, इज कॉल्ड फंक्शन। ओनली ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी। आप ए से कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका एक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना, यूनिक मतलब एक एक ही इमेज होना चाहिए बी में, एक इमेज बी का पार्ट होना चाहिए ना सर, तो बी का पार्ट होना चाहिए ना सर, ए का एलिमेंट। ये आपका सपोज सेट बी, ये एक रिलेशन दिया गया, ठीक है, इज इट फंक्शन? नो सर। नो क्यों नहीं है? क्यों ना सर, फोर का कोई इमेज नहीं है ना, फोर का कोई इमेज नहीं है, फोर का कोई इमेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन होगा बट नॉट ए फंक्शन, ओके, इज इट ए फंक्शन नाउ? नो, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। किसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है? फोर का प्री इमेजेस का या फोर का थ्री का कितने सारे इमेजेस मिला? एक
एक तो यूनिक हुआ ना, फोर का कितने इमेजेस मिला, एक तो यूनिक हुआ सर। अगर उल्टा होता तो फिर नहीं होता, मतलब थ्री डी और ई दोनों का साथ दिया तो दो फिर वो फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे ऐसे करा दिया, देन सपोज मेरे पास थ्री ये नहीं है, हाँ सर तो नहीं होगा के साथ ये। Is it function? No, no, sir. No, sir. Not a function. Three का कितने images मिला? Two. दो मिला. More than one मिला. So it is not a function. Yes. Yes. समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो and यहाँ A का कोई भी element उठाओगे आपको image मिलेगा ही मिलेगा. तो B में जो दिखाई दे रहा था that part is called image part. And A में जो नंबर्स आ रहा था ना वो प्री इमेज बोला जाता है, ठीक है। मैं लिखता हूं हियर ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड इसको सिंबलिकली ऐसे लिखा जाता है डीएफ, डीएफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, डी डोमेन, एंड बी इज कॉल्ड, बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है, बी इज कॉल्ड कोडोमेन फंक्शन। तो एफ ऑफ वन क्या लिखोगे, एफ ऑफ टू बी, एफ ऑफ थ्री बी, बी एफ ऑफ फोर ई, ओके, हियर 1 2 3 4 सेट ए, मतलब 1 2 3 4 इस सब सबका इमेज होना चाहिए, ठीक है, इज द डोमेन एंड बी होता है कोडोमेन, ए बी सी डी ई इट्स कॉल्ड कोडोमेन एंड ए बी को क्या बोलेंगे, रेंज, ए बी ई दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय ऐसे आर एफ, आर एफ लिखेंगे तो क्या होगा, रेंज ऑफ, रेंज ऑफ फंक्शन, समझा। इससे पहले रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब डोमेन सॉरी आप फंक्शन किसको बोलते हो, हाँ अच्छा, हियर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए, इसका मतलब इमेज ऑफ वन ए इज कॉल्ड, मतलब सर टू डी में ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ वन एंड वन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ ए, ए को बोलेंगे इमेज, वन को बोलेंगे प्री इमेज, ठीक है। अब बताओ रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन सर, ए का एलिमेंट एक से ज्यादा बी के एलिमेंट के साथ पेयर करता है सर, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ग्रेटेस्ट सेट ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई भी सबसेट, हां और रिलेशन
from set A into set B is any subset of A cross B. इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन प्रोडक्ट. पार्टीशन प्रोडक्ट. दोनों को 2D. ओके, इसको बोलते हैं पार्टीशन प्रोडक्ट. इसका कोई भी सबसेट रखोगे, एनी सबसेट. सपोज फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक ए द ए बी सी, बी द पी क्यू. तो इनका ए क्रॉस बी में कितना होगा, कितने सारे एलिमेंट्स हो गए? सिक्स एलिमेंट्स होगा. इसका जो एलिमेंट्स रहता है ना, वो पेयरिंग फॉर्मेट में रहता है. ए कमा बी, ए कमा क्यू, बी कमा पी, बी कमा क्यू, सी कमा पी, सी कमा क्यू, सी कमा पी, सी कमा क्यू. पेयर फॉर्मेट में रहता है. तो इसका एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? हमें ऐसे भी लिखते हैं, बट डोंट कॉल डिटेल्स मॉडुलस. आप बोल सकते हो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए क्रॉस. ओके, एन ऑफ ए और दिस वन इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in set. ठीक है, इसमें कितना होगा सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिक्स एलिमेंट्स. सिक्स. तो इसका कितने सबसेट्स बनेगा? 2:6. ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 6. Number of subsets of set A having n elements is what? 2 raised to n. And that is called, and total number, total subsets in the form of set are called power set. Power set. So एक बार फिर करो. And the set is called power set and denoted by, कैसे लिखा जाता है? P of A, मतलब जो भी set हो. P of A. A के लिए. ठीक है? तो A केस में आपका A cross B कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको सिक्स एलिमेंट्स मिला, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 6. 64 सबसेट. कोई भी सबसेट उठाओ, कोई भी सबसेट उठाओ, ईच एंड एवरी सेट और रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी. ओके, so any subset from P of A cross B, power set of A cross B is a relation from set A into set. समझा? इसमें जो 64 सबसेट्स मिल रहा है ना, ये 64 सबसेट से आप कोई कितने भी सबसेट उठा लो, तो ईच एंड एवरी सबसेट बिकम पावर. ईच एंड एवरी सबसेट, कोई भी सबसेट, कितने भी, मतलब आउट ऑफ 64 आप 10 सबसेट ले लिए, 10 सबसेट का एक सेट बनाए, दो सबसेट का एक सेट बनाए, तो एक एक और रिलेशन बनेगा. अच्छा, ये जो पावर सेट में एक नल सेट होता है,
वो नल सेट भी एक रिलेशन होता है, उसमें एलिमेंट नहीं है फिर भी वो एक रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने जो 64 सबसेट रखा ना, 64 सबसेट से कितने भी सबसेट उठा लो सब एक एक रिलेशन बनता है, समझा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशंस 2 रेस टू एम इनटू एन 2 टू द पावर एम एन। इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी इज व्हाट 2 टू द पावर एन एन। एनी सबसेट नहीं, एनी सेट सबसेट नहीं, एनी सेट फ्रॉम ए क्रॉस बी सबसेट नहीं, ठीक है। तो 64 जो मिला ना उतना ही सबसेट होगा, उतना v of a plus b means सबसेट, फिर और सबसेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसका भी सबसेट ले लिया, हाँ, उससे कोई भी सेट उठा लो वो आपका रिलेशन बनेगा, मतलब नंबर ऑफ सबसेट उतना ही होगा 64 होगा। तो देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a into सेट b is 2 raise to mn, यही हुआ ना, इसमें 3 एलिमेंट्स था, इसमें 2 एलिमेंट्स था, तो 3 into 2 हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 into 2 सबसेट हुआ 2 raise to 3 into 2 6, इसमें भी वही होगा प्रोडक्ट में एलिमेंट्स और सबसेट होगा 2 raise to mn, ओके। समझा, हाँ सर। यहाँ पे जो 64 मिला ना, 64 सबसेट आपको मिला, तो कोई भी उधर से सबसेट उठाओ, दैट बिकेम वन रिलेशन। सर अगर ए क्रॉस बी में से कोई भी एलिमेंट लिया तो वो भी एक रिलेशन होगा क्या? ए क्रॉस बी में सर अगर ए क्रॉस बी से हमने कोई एक एलिमेंट लिया तो वो भी ए और बी का एक रिलेशन होगा? हाँ, क्योंकि वो एलिमेंट ऐसा फॉर्मेट में दिखता है ना, एक एलिमेंट वो तो पेयर फॉर्मेट में दिखता है, तो आप ए कमा बी उठाए, ए कमा पी, इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू पी, ए बी का रिलेशन ए के साथ पी है। सपोज आप ए तीनों को उठाए तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, ए बी, तो ए का एक रिलेशन क्यू हुआ, ए का रिलेशन एक बी का रिलेशन पी हुआ, बी का रिलेशन क्यू भी हुआ। ये फंक्शन नहीं होगा ना सर, बी नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा, ओके। तो आउट ऑफ ऑल रिलेशन कुछ सबसेट्स होता है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होता है, ये पूरा आपको क्या मिला, रिलेशंस, ठीक है। दिस वन नॉट फंक्शन, दिस वन इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। बट कुछ होता है, जैसे मैं ये रखूंगा, ए तीन एलिमेंट्स का एक सबसेट बनाएंगे, तो आपको क्या मिला, फंक्शन ए ए बी सी सी, ए साइड में आपका पी क्यू, ए के साथ पी, बी के साथ पी, सी के साथ पी, ओके। ये क्या होगा, फंक्शन, रिलेशन प्लस फंक्शन, ये रिलेशन भी होगा फंक्शन भी होगा, okay। तो फंक्शन क्या होता है, एक सबसेट, रिलेशन का सबसेट होता है, बट ये सिर्फ रिलेशन, नॉट ए फंक्शन,
A to B. It is a relation as well as function भी होगा, दोनों होता है, ठीक है? But ये केस सिर्फ relation होता है, function नहीं होता है। तो relation में सब कुछ आ जाता है। Okay. समझा? Right on. क्या सोम क्या पूछ रहा है? इज दिस डोमेन एंड रेंज चैप्टर? ऐसा चैप्टर होता ही नहीं। हाँ, इसमें डोमेन रेंज है, बट डोमेन रेंज को लेके एक चैप्टर नहीं होता है। बोर्ड में ऐसा चैप्टर है क्या, डोमेन एंड रेंज? फंक्शन ही है सर, फंक्शन में रहेगा वो चैप्टर। वो जो ये दो आप बोल रहे हो ना डोमेन रेंज, वो फंक्शन में होता है। डोमेन रेंज का ऐसा चैप्टर नहीं होता। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। एक सेकंड ऊपर। सर रुको सर।
सर सर हाँ बोलो सर, वो जो आपने एन ब्रैकेट में ए क्रॉस बी लिखा है और करके फिर बाद में जो ए क्रॉस बी लिखा है, सर वो ए क्रॉस बी को मॉड में किया है कि ब्रैकेट से? मॉड नहीं, हाँ मॉडुलर साइन जैसा दिया, बट डोंट कॉल इट इन मॉड। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया, इसको बोला जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। इसको बोला जाता है एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? दोनों का सेम मीनिंग सेम है, कभी ये फॉर्मेट में लिखा जाता है, कभी ये फॉर्मेट में लिखा जाता है, एन को ऐसे थोड़ा लंबा किया जाता है, ठीक है? बट मॉडुलस मत बोलो इसको। मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट है। सर वो जो लाइन लिखा है ना सर रेड के ऊपर, इसमें ए क्रॉस बी के पहले क्या लिखा है? फ्रॉम ये, सो एनी सेट, उसके नीचे वाली लाइन एनी सेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, पी ऑफ ए क्रॉस पी, पी पावर सेट। हाँ हाँ, पावर सेट में 64 सबसेट मिला, तो कोई भी सेट उठाओ एक रिलेशन। Any set from A cross B लिखो, और आप लिख सकते हो any subset of A cross B। That itself power set।